भारत में कोरोना के मामले 15 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग कोरोना वायरस ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह के मुकाबले इसमें 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में लगातार एक हफ्ते से 45,000 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं। देश में तेज हो रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार को इस तरह भी समझ सकते हैं। अनलॉक के पहले 10 दिनों में देश में 1,00,000 नए केस आए, लेकिन जुलाई में पहली बार 1,00,000 नए केस सिर्फ 5 दिनों के अंदर सामने आ गए, यानी जुलाई आते आते इनकी रफ्तार दोगुनी हो गई। इतना ही नहीं, जुलाई में ये रफ्तार और भी तेज हो गई और 2 से 3 दिनों के भीतर ही 1,00,000 के केस आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि भारत में टेस्ट भी कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 11.8 और ब्राजील में 11.93 टेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में प्रति 1,000 लोगों पर 152.98 और रूस में 184.34 टेस्ट हो रहे हैं।